पंजाब असेंबली में इजलास आज होगा। इजलास में पंजाब बजट पर बहस होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा इस इजलास के हवाले से। पंजाब असेंबली का इजलास दो रोज के वक्त के बाद दोबारा हो रहा है, जिसमें आज बजट पर बहस का आगाज किया जाएगा। इसमें अपोजिशन लीडर जो हमजा शहबाज है वो बजट पर बहस का आगाज करेंगे और उसके बाद दीगर अरकान अपनी अपनी राय देंगे। दो रोज इस पर बहस होगी और फिर 25 और 26 अक्टूबर को जो है मुतालबा से सरकारी मंजूरी होगी, जबकि 27 अक्टूबर को जो है वो फिनांस बिल मंजूर किया जाएगा। अच्छा लियाकत अंसारी, ये भी बताइएगा, पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान को एवान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है, उन कौन से ऐसे अराकीन है वो? अरे पंजाब असेंबली में जो 6 अरकान जिनके दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी, उनके हवाले से सर्कुलर और उनकी तस्वीर जारी कर दी गई है। सिक्योरिटी स्टाफ को और पंजाब असेंबली के तमाम दाखिली रास्तों पर जो सिक्योरिटी स्टाफ मामूर है उनको उनकी तस्वीरें फराहम कर दी गई है कि वो आज किसी तरह भी वो 6 अरकान जिनके दाखिले पर पाबंदी है वो ऐवान में ना आ पाए, इसलिए उनकी तस्वीर दी गई है कि ताकि सिक्योरिटी स्टाफ उनकी शिनाख्त कर सके। क्योंकि स्पीकर पंजाब असेंबली ने उन पर पाबंदी आयद की है तो खदशा ये था कि कहीं वो खामोशी के साथ आकर फिर वहां पर एहतजाजी अमल में या ऐवान में दाखिल ना हो जाए, इसलिए तमाम सिक्योरिटी स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है कि उन 6 अरकान को किसी तौर पर कतई तौर पर अंदर नहीं आना चाहिए। इन अरकान में जो है वो मिर्जा जावेद हैं, ज़ेबुन नसा हैं, तारिक मसीह गिल हैं, जबकि अशरफ रसूल, मोहम्मद वहीद और यासिन आमर हैं, ये 6 अरकान हैं जिनके दाखिले पर पाबंदी है। इसलिए सिक्योरिटी स्टाफ को आज अलर्ट किया गया कि उन्हें किसी सूरत ऐवान में दाखिल ना होने दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी आपका।